हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगजीत सिंह और आपका इंग्लिश की इस क्लास में स्वागत है। हमने पिछली बार किया था पास्ट का परफेक्ट टेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था और उसके आज आंसर्स देखने की बारी है। और आज है हमारा अगला टेंस जो कि है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पिछला होमवर्क था उसको एक बार उसके आंसर्स चेक कर लेते हैं कि हमारे आंसर्स जो थे वो सही थे कि नहीं थे। ठीक है, तो आपने अपनी नोटबुक जो बनाई होगी उसमें अपने आंसर्स को इन आंसर्स के साथ मैच कर लिया करो। अगर कोई गलती हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पर सीख रहे हैं और सीखते हुए गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है ना, तो वह सो चुके थे। अब वह सो चुके थे इसका मतलब वो ही भी नहीं है, छी भी नहीं है, वो है दे, क्योंकि वह चुके थे यानी कि वो ज़्यादा लोग हैं, हम दे की बात कर रहे हैं। ठीक है, दे हैड स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। ठीक है, तो दे हैड स्लेप्ट। ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, तो द ट्रेन, हम ट्रेन के लिए हमेशा द लगाते हैं। द ट्रेन had gone, जाने को बोलते हैं go और go went gone। ठीक है, उसके बाद में है रोहन स्कूल नहीं जा चुका था, रोहन had not gone to the school, या फिर रोहन had not gone to school। ठीक है, दोनों सही हैं। क्या तुमने काम किया था, had you done work, do did done। हमने यहाँ पे काम करने की बात कर रहे हैं तो हमने लगा दिया had you done work। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं had you worked। ठीक है, तुमने काम किया था तो had you worked भी ओके है। उसके बाद में है क्या वह किताब पढ़ चुका था, had he read the book। क्या बोला मैंने, read, मगर यहाँ पे तो read लिखा है ना, तो read क्या, read का मतलब लाल वाला read नहीं, हम read को pronunciation में read ही बोलते हैं, उसको लिखते हैं read मगर बोलते हैं read, तो रीड रेड रेड। ठीक है, इस बात को याद रखना। वह किताब पढ़ चुका था, ही हैड रेड द बुक। ठीक है, क्या पंखा चल चुका था, हैड द फैन रन, तो रन, रन तो फर्स्ट फॉर्म है मगर रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही है, रन रैन रन। ठीक है, उसके बाद में है वह पढ़ नहीं चुका था, वह पढ़ नहीं चुका था, तो ही हैड नॉट रेड। तो यहाँ पर हमने रेड का फिर से यूज़ किया, अगर आप चाहें तो स्टडीड भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसने पेन लिया था, ही हैड टेकन द पेन। लेने को बोलते हैं टेक करना और टेक, टुक, टेकन। ठीक है, तो टेकन आ गया यहाँ पे, ही हैड टेकन द पेन। वह टीवी नहीं देख चुका था, ही हैड नॉट वॉच्ड टीवी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि टीवी को देखने को हम वॉच बोलते हैं, सी और लुक नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको सी, लुक और वॉच के बारे में वीडियो आपको डिटेल से बताएंगे कि इनका यूज़ कहां कहां पे होता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के टेंस के ऊपर और वो है हमारा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये है हमारा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या हुआ, अरे मेरी टी शर्ट की तरफ मत देखो, चाय गिर गई थी तो इसलिए मैं चेंज करके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में हम यूज़ करते हैं, इसकी पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे और समय। कुछ याद आ रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि हम ये कर चुके हैं और वो वाला टेंस था प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू, से रहा है, से रही है और से रहे हैं। ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा आपको कि उसमें हम लगाते थे हैज़ और हैव, मगर इसमें हम लगाते हैं हैड। बहुत आसान है वैसे ये, बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ पर तो दो दो मुसीबतें थी, हम उसमें हैज़ लगाते थे या फिर उसमें हैव लगाते थे, कुछ समझ में ही नहीं आता था, मगर यहाँ पे तो सिर्फ हैड लगा देना है और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैड, फिर उसके बाद में बीन, फिर उसके बाद में वर्ब और ing। आगे लगेगा सिंस और फोर, क्यों लगेगा, क्योंकि सिंस होता है पक्का समय और फोर होता है कच्चा समय। ठीक है,
और उसके बाद में लास्ट में आएगा टाइम। ये सेंटेंस टाइम के बिना नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये सेंटेंस टाइम के बिना नहीं बनेगा। घड़ी वाला टाइम नहीं, वो टाइम मंथ्स भी हो सकते हैं, वो टाइम वीक्स भी हो सकते हैं, वो टाइम डेज भी हो सकते हैं, वो टाइम ईयर्स भी हो सकते हैं, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, मगर उसमें मेंशन करना ज़रूरी है कि मैं कब से काम कर रहा था, ठीक है। और अगर आपने मेंशन कर दिया कि मैं कब से काम कर रहा था तो उसे हम मानेंगे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, तो वो हेड से हम बना देंगे। इसका जो नेगेटिव का फॉर्मूला है उसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में लगाते हैं हेड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में एक नंबर और दो नंबर पर लगाते हैं हम नॉट, ठीक है, उसके बाद में बीन, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आईएनजी, सिंस फॉर और टाइम, ठीक है। नेगेटिव वाले में हमने ऐसे लगा दिया, इंटरोगेटिव वाले में हम लगाते हैं सब्जेक्ट और हेड की अदला बदली, यानी कि अफर्मेटिव और जो इंटरोगेटिव है वो सारा सेम होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको हम अल्टा पल्टी कर देते हैं और वो बन जाता है इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चंस वाला, ठीक है। तो हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सिंस फॉर और प्लस में टाइम, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ में लगाना है हैड, सबके साथ में क्या लगाना है हैड, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पता है ना कैसे पूछना है, कमेंट करके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है, मैं 2 बजे से सो रहा था, सच में मैं 2 बजे से सो रहा था, अभी अभी उठा हूँ और वीडियो बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो मैं 2 बजे से सो रहा था, इसमें क्या है, मैं को कहते हैं आई, आई के साथ में लगाएंगे हैड और ये बन जाएगा आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि 2 बजे थे, अगर यहाँ पर 2 घंटे होता तो हम लगा देते आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 o'clock, ठीक है। तो लिख लेते हैं आई, उसके बाद में हैड, फिर उसके बाद में बीन, उसके बाद में स्लीपिंग और उसके बाद में सिंस 2 o'clock और हमारा सेंटेंस कंप्लीट, आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, खत्म हो गया। एक बार ऊपर वाले के साथ मिला लेते हैं, कहीं हमने सही भी किया कि नहीं किया, है ना, हो सकता है हमसे गलती हो जाए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट लगाना था तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हैड लगाना था तो ये हैड हो गया, फिर बीन लगाना था तो बीन हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्लीप और उसके बाद में आईएनजी तो ये स्लीपिंग हो गया। ये आपको आई शायद दिख नहीं रहा होगा, ये आई है, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो आईएनजी लग गया, उसके बाद में सिंस, तो सिंस आ गया, सिंस या फोर में से कुछ लगाना था तो हमने सिंस लगाया 2 बजे के लिए और 2 o'clock, तो इसका मतलब हमने सही किया है। वाह यार, हमें तो तालियां बजनी चाहिए और एक लाइक तो ज़रूर मिलना चाहिए इस बात के ऊपर। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वह 4 बजे से गा रही थी, अब नहीं गा रही, पहले गा रही थी, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, उसने 4 बजे से गाना शुरू किया और उसके बाद में ख़त्म कर दिया, तो 4 बजे से गा रही थी, इसको कैसे बनाएंगे। अब वह कौन है, गा रही थी, इसका मतलब है वो शी है ना, तो शी हैड बीन, हैड बीन तो ऐसे याद कर लो जैसे मिस्टर बीन को याद करते हो, याद है ना, ये तो सबको याद होगा मिस्टर बीन, है ना, सबने फिल्म देखी होगी मिस्टर बीन की और सबने कार्टून्स वगैरह जो भी देखे होंगे सबने, है ना, तो ऐसे ही बीन को याद कर लो। बीन तब आएगा किसी भी सेंटेंस में जब कोई बीता हुआ समय होगा और उसके बारे में जिक्र होगा तो उस टाइम पे हम बीन ज़रूर लगाते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लो, जैसे मिस्टर बीन नहीं भूलता ऐसे इसको भी याद कर लो, ठीक है। अब गाने को बोलते हैं सिंगिंग, मतलब सिंग और आईएनजी सिंगिंग, अब 4 बजे से इसका मतलब है सिंस, 4 बजे तो सिंस, ठीक है, सिंस 4 o'clock, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तो अगला एग्जांपल है, मैं पार्क में 4 घंटे से टहल रहा था, मैं पार्क में 4 घंटे से टहल रहा था, तो मैं को बोलते हैं आई, आई आगे क्या है, हैड, आगे क्या है, बीन। अब टहलने को क्या बोलते हैं, टहलने को क्या बोलते हैं, हम वॉक बोलते हैं टहलने को, जैसे हम सुबह सुबह वॉकिंग करने जाते हैं ना, है ना, जॉगिंग तो भागना हो जाता है,
मगर टहलना मतलब वॉक करना, ठीक है। तो वॉक यहाँ पर हम वॉक का यूज़ करेंगे, तो वॉक के साथ में लग जाएगा आईएनजी और वो बन जाएगा वॉकिंग, ठीक है। तो आई हैड बीन वॉकिंग, अब कहाँ पे टहल रहा था, पार्क में, इन द पार्क, और चार घंटे से। अब चार घंटे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस या फोर, फोर, ठीक है। तो फोर, फोर आवर्स, ठीक है। ये मैंने बहुत छोटा छोटा लिख दिया, मगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में है, हम दो दिन से जा रहे थे, हम दो दिन से जा रहे थे, तो हमको बोलते हैं वी हैड बीन गोइंग, जाने को बोलते हैं गोइंग, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जाने को बोलते हैं गो और उसके साथ में आई एन जी गोइंग हो जाता है, ठीक है। तो गोइंग, अब सिंस या फोर, दो दिन, दो दिन को हम सिंस बोलते हैं कि फोर बोलते हैं, सिंस बोलते हैं ना, नहीं फोर बोलते हैं। यहाँ पर लिखा होता कि दो तारीख से जा रहे हैं तो यहाँ पे सिंस आता, मगर यहाँ पे दो दिन लिखा है तो यहाँ पे कच्चा समय हो जाता है, ये इसको हम फोर में बनाते हैं, ठीक है। गोइंग फोर टू डेज, ठीक है। यहाँ पे दो भी लिख सकते हो और टू भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी कर लो आप, ठीक है ना। तो वी हैड बीन गोइंग फॉर टू डेज, इजी लग रहे हैं ना, अब क्योंकि आप रोज वीडियो देखते हो और सारी वीडियोस हमारी देखते हो, इसलिए आपको इजी लग रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे और स्किप कर करके देखोगे तो शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप बोलोगे अरे कैसे करें, हमारे को तो ये आता ही नहीं। मगर हमने यही तो सोचा है कि आपके मुँह से ये बात निकलने नहीं देनी कि आपको आता नहीं, ठीक है ना। तो आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, शायद जो हमें भी नहीं आता वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेगेटिव वाले को देख लेते हैं। तो नेगेटिव के लिए हमने एग्जांपल्स लिए हैं, मोहन दो घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था, मोहन दो घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था। तो इसमें मोहन है तो मोहन नाम का है तो इसको हम मोहन का मोहन ही लगा देंगे। उसके बाद में आ जाएगा हैड, तो उसके बाद में हैड। अब क्या आना है, सब्जेक्ट को छोड़ के एक नंबर और दो नंबर पर नॉट, ये तो आपको पक्का रट गया होगा, है ना, ये तो आपको भूल ही नहीं सकता। मोहन हैड नॉट, आगे क्या आना है, बीन। अब किताब पढ़ रहा था, अब पढ़ने को यहाँ पे स्टडी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो किताब पढ़ रहा था, तो उसको किताब को तो हम रीड ही बोलते हैं, है ना। तो रीड के आगे आई एन जी कर दिया तो वो बन गया रीडिंग, ठीक है। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग दो घंटे से, पहले इससे मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक कितने घंटे से, दो घंटे से, तो इसके लिए क्या आएगा, फोर आएगा, है ना। तो फोर टू आवर्स, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, फोर टू आवर्स, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। उसके बाद में है, कुत्ता चार घंटे से नहीं भौंक रहा था। अब कौन सा कुत्ता, वो रामलाल का कुत्ता है ना, जो वो वाला कुत्ता पता है ना रामलाल का कुत्ता कौन सा है, ठीक है। तो रामलाल का कुत्ता चार घंटे से नहीं भौंक रहा था, ठीक है। तो कुत्ता को क्या बोलते हैं, द डॉग हैड नॉट, उसके बाद में बीन। अब भौंकने को क्या बोलते हैं, बाक करना, है ना। तो बाक प्लस आई एन जी और ये बन गया बाकिंग, द डॉग हैड नॉट बीन बाकिंग चार घंटे से। चार घंटे को क्या बोलते हैं, सिंस बोलते हैं कि फोर बोलते हैं, इसे फोर बोलते हैं, फोर, फोर आवर्स, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। राहुल जनवरी से गा नहीं रहा था, तो राहुल हैड नॉट बीन, गाने को क्या बोलते हो, सिंग करना, तो यानी आई एन जी लगा के सिंगिंग, सिंगिंग। जनवरी क्या है, जनवरी को फोर लिखेंगे के सिंस लिखेंगे, जनवरी को सिंस लिखेंगे क्योंकि वो मंथ का नाम है, ठीक है। तो सिंस जनवरी,
तो राहुल हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस जनवरी, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। क्या सीता 10 साल से काम कर रही थी? तो क्या को हम कुछ नहीं लिखते, यहाँ पर लिखेंगे हैड सीता बीन, अब काम कर रही थी, तो काम करने को क्या बोलते हैं हम, वर्किंग, है ना, डूइंग वर्क भी बोलते हैं मगर हम वर्किंग ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो वर्किंग को यूज़ कर लेते हैं, वर्क प्लस आईएनजी बन गया वर्किंग, हैड सीता बीन वर्किंग। अब आगे क्या आना है, सिंस या फोर और टाइम, तो सिंस या फोर आएगा, 10 साल के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा कि फोर आएगा, फोर आएगा, ठीक है, फोर टेन ईयर्स और क्वेश्चन मार्क, फोर टेन ईयर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव था, हमने इसमें हैड पहले कर दिया, सीता को बाद में कर दिया, बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, लास्ट में लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाला देख लेते हैं, क्या हम 5 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, क्या हम 5 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आएगा हम, हमको बोलते हैं वी हैड वी बीन, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीडिंग, अ बुक 5 घंटे से, फॉर 5 आवर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हैड वी बीन रीडिंग अ बुक फॉर 5 आवर्स, ठीक है, तो हमारा ये इंटरोगेटिव कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई फिर भी डाउट रह गया हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या आपको लग रहा हो कि यार यहाँ पे तो ये नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पे वो नहीं लगना चाहिए था, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी हर क्वेरी को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और हमारे लिए वो बहुत ही मायने रखती है, इसलिए कभी भी कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछा करो, ताकि आप और भी बेटर हो सको, और हम आपको अगर कुछ बता सकेंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी, ठीक है। तो अब बारी है होमवर्क की, तो चलिए एक फटाफट मज़ेदार सा होमवर्क ले लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो पार्टी की बात हमने की थी, वो आने वाला जो संडे है उसमें हमने अनाउंस कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि संडे को हम पार्टी करेंगे, जो नेम है वो हम 2 या 4 दिन के आसपास हम आपको बता देंगे, यानी कि संडे आने से पहले, हो सकता है कि हम फ्राइडे को बता दें, हो सकता है हम थर्सडे को आपको नाम बता दें कि कौन कौन सा बच्चा सिलेक्ट हुआ है। तो अपना बोरी बिस्तरा बांध लो और अपने जो बैग चैग है वो तैयार कर लो, क्योंकि आपने आना है हमारे पास और पार्टी करनी है, ठीक है क्या? अरे नहीं नहीं, गिफ्ट मत लाना, गिफ्ट हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मत लाना, कुछ भी मत लाना, नहीं चॉकलेट भी मत लाना, कोई टॉफ़ी भी मत लाना और कोई केक भी मत लाना, ठीक है, बस आप आ जाना और हम सब कुछ ले आएंगे और आप बस खा पी के मज़े करके चले जाना, ठीक है। तो चलिए अब होमवर्क ले लेते हैं और हमारी इस क्लास को यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। तो ये है आपके लिए बहुत इजी सा होमवर्क, तो ये है आपके लिए कुछ होमवर्क जो कि बहुत ही कम सेंटेंस मैंने इस बार आपको दिए हैं, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे और आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। पहला है, राहुल 3 घंटे से सो रहा था, हम सुबह से खाना नहीं खा रहे थे, क्या माँ सुबह से खाना बना रही थी, क्या मैं माँ से स्कूल नहीं जा रहा था, मैं 1 घंटे से नहा रहा था, मोहन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा था, ठीक है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल आसानी से बनेंगे, बस जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते जाना और अपनी नोटबुक में इनको लिखते जाना, ठीक है, और साथ में कमेंट में भी डालने हैं, कहीं भूल मत जाना, ठीक है। और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा अभी तक, अगर नहीं किया तो अभी कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो उसे भी अभी कर दें, और पास में जो मंदिर की घंटी लगी हुई है ना उसको ज़रूर दबा दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टेंस लेके, क्योंकि अभी 4 टेंस बाकी हैं, आपको पता होगा इस बारे में, आज 8वां टेंस है और अभी 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, यानी कि फ्यूचर के टेंस जो हैं वो बाकी हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।